वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में ही। देखिए, हम पहले कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, लेकिन जो सेंटेंस नेगेटिव में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में उनको डिस्कस करेंगे। नेगेटिव में मतलब नहीं में, वो सेंटेंस जिनमें नहीं आता है, कोई काम नहीं करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रूल क्या है, आई का यूज एम के साथ होगा। जब ही शी इट नेम है तो इज आएगा, और नेक्स्ट था वी यू दे या कोई भी प्लूरल तो आर आएगा। यही था, इसी रूल को हम इसमें फॉलो करेंगे। तो नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है जो नेगेटिव है, मैं पढ़ने नहीं जा रही। क्या आया है, मैं पढ़ने नहीं जा रही हूं, पढ़ने नहीं जा रही हूं, नेगेटिव नहीं। तो सेम रूल वही रहेगा, मैं क्या है, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, सब्जेक्ट इज एम आर, दस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल था। तो सेम उसी को फॉलो करेंगे, आई के साथ एम, आई एम, लेकिन नहीं है, यानी कि नॉट, नहीं हो रहा वो काम। तो एम के साथ क्या लगेगा, नॉट, नॉट इज एम आर के साथ लगेगा। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जा, यानी कि गो, और गो के साथ आई एन जी। हमें कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, कैसे पता लगा, हमें कैसे पता लगा, लास्ट में आ रहा है, रहा है, रहे है, रही है, रही हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू है या क्या है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हो कि लास्ट में रहा है, रहे है, रही हूं, तो इस तरह से लिखना है, रूल ये रहेगा। तो आई एम नॉट गोइंग किसके लिए, मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रही हूं, किसके लिए, फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए नहीं जा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तुम घर नहीं जा रहे, तुम घर नहीं जा रहे हो। अब देखिए, तुम क्या है, ऑब्वियसली नहीं जा रहे हो, नॉट, तुम मतलब यू, और यू के साथ, आई के साथ एम लगता है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, प्लूरल, ठीक है। वी यू दे, किसी भी प्लूरल के साथ आर, यू आर, तुम घर नहीं जा रहे हो, यू आर नहीं, नॉट, इज एम आर के साथ ही नॉट लगेगा, यू आर नॉट, सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जा रहे हो, गो इंग गोइंग, यू आर नॉट गोइंग कहां, एट होम, होम के साथ, होम से पहले एट लगता है, एट होम बोलते हैं। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, मैं, आई, आई के साथ एम, एम, आई एम नहीं सीख रहा, नहीं, आई एम नॉट, आई एम नॉट, लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न,
प्लस आईएनजी, लर्न इंग, लास्ट में आ रहा है रहा हूं, रहे हैं, रही हूं। आई एम नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहा हूं, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है हमें, हम इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हम अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रहे हैं। हम वी, वी के साथ क्या लगता है, प्लूरल आर, वी आर। ठीक है, ये तो सिंपल में आ गया, हम अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वी आर डूइंग हार्ड वर्क। ये देखिए इसमें नहीं नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, इसको मैं ऐसे ही बना देती हूं। वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं हार्ड वर्क, हार्ड वर्क फॉर लर्न इंग्लिश। अब देखिए क्या है, इसमें दो वर्ब्स आ रही हैं, एक डूइंग है, एक लर्न है। ठीक है, एक है लर्न, एल ई ए आर एन, एक डूइंग है और एक है लर्न। लेकिन जैसे कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए जहां पे दो वर्ब्स आती हैं, तो आप एक के साथ ही आई एन जी लगा सकते हो, ऐसी बात है, लर्न के साथ फिर आपको यहां नहीं लगाना है एन जी, अगर आप यहां लगाओगे तो। ठीक है, तो एक ही जगह आप आई एन जी लगा सकते हो, या तो डूइंग कर सकते हो या लर्निंग कर सकते हो। अगर यहां पे लर्निंग करोगे तो यहां पर डू करना पड़ेगा। ठीक है, दो वर्ब्स अगर इकट्ठी आ जाती हैं तो एक में आई एन जी लगा सकते हो, एक में नहीं लगानी, दोनों वे में सेंटेंस ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, लेकिन ये सेंटेंस है ये नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट जाते हैं, गाय घास नहीं चर रही है, ये नेगेटिव में, नहीं हो रहा है वो काम। गाय घास नहीं चर रही है, चरना क्या होता है, ग्रेज, चरना, ग्रेज, जी आर ए जेड, ग्रेज। ठीक है, तो क्या है, द काओ, 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 एक काओ है तो इज, काओ इज नॉट ग्रेजिंग, ग्रेज इंग, काओ इज नॉट ग्रेजिंग, द काओ इज नॉट ग्रेजिंग, घास नहीं चर रही है। नेक्स्ट वन इज चिड़िया उड़ नहीं रही है, चिड़िया उड़ नहीं रही है, चिड़िया स्पैरो, ठीक है, सब्जेक्ट है स्पैरो, सप एर रो, स्पैरो, स्पैरो, एक स्पैरो है, इज नॉट, एक के लिए सिंगुलर के लिए इज नॉट, क्या नहीं कर रही है, उड़ नहीं रही है, फ्लाई, रहा है, रहे है, रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ठीक है, चिड़िया उड़ नहीं रही है, स्पैरो इज नॉट फ्लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, चिड़िया, यहां चिड़िया ली थी, अब चिड़िया उड़ नहीं रही हैं, रही हैं, बहुत सारी चिड़िया हो गई, स्पैरोज हो गई, चिड़िया हो गई, तो क्या करेंगे, स्पैरोस, स्पैरोस, एस स्पैरोस, अब एक थी तो इज लगाया था, बहुत सारी हैं तो आर लगाएंगे, स्पैरोस आर नॉट
फ्लाइंग। देखिए क्या फर्क आया है, यहाँ पे एक स्पैरो थी, यहाँ बहुत सारी स्पैरोज आ गई हैं। ठीक है, स्पैरोज आर नॉट फ्लाइंग। अगर आप ऐसे बोलते हो कि चिड़िया आसमान में उड़ नहीं रही हैं, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही हैं, तो कैसे लिखोगे? स्पैरोज आर नॉट फ्लाइंग, इसके आगे आसमान में नहीं उड़ रही हैं, तो आएगा ये इन द स्काई। तो उस कंडीशन में अगर आसमान में नहीं उड़ रहे तो आएगा इन द स्काई। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। वे नहीं खेल रहे हैं, लास्ट है ये, वे कितने भी हो सकते हैं, नहीं खेल रहे हैं। वे यानी कि दे कितने भी होंगे, दे के साथ क्या लगता है, आर प्लूरल, दे आर, और नहीं है इज एम आर के साथ नॉट लगेगा नेगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट नेगेटिव के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, तो ये हैं नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस की। थैंक यू।